नमस्कार इस वक्त हम परमानपुर पंचायत में हैं जो कि नवानगर प्रखंड में पड़ता है बक्सर जिले के अभी हमारे साथ है यहाँ के वर्तमान मुखिया अनिल कुमार चौबे जो कि यहाँ के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं क्या कुछ बीते सत्रह से अठारह महीनों में पंचायत में विकास का काम हुआ है हम इनसे हम बात करते हैं अनिल जी आपको सबसे पहले लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद सबसे पहला सवाल नल जल योजना से हम करेंगे नल जल योजना की स्थिति क्या है आपकी नल जल योजना की स्थिति हमारे यहाँ पूर्णतः सही है कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा खराबी आते रहता है कहीं कहीं इन साल तो वोल्टेज के लेकर के इतना समस्या था क्योंकि बिजली का जो तार है वो जर्जर की स्थिति में है बिजली का तार बदलने से ही जो है व्यवस्था जो है बिजली अच्छी मिलेगी जिससे कि नल जल चल पाएगा पहले पाँच के भी का ये लगा हुआ था क्या बोलते हैं स्टेप्लाइर लेकिन अभी आठ आठ के भी का उसमें लगाना पड़ा तब जा करके तो कैसे कैसे कर रहे हैं किस तरह है? से आप इस तरह को इसको लागू कर रहे हैं कि हर घर में नल जल का पानी पहुंच पाए पानी तो आवश्यक है ना पानी आवश्यक है उसके लिए सरकारी योजना लाई जी 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 तो जल नल चल रहा है हम लोग और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं कुछ इसमें दिक्कतें आ रही है कि अभी तक पंद्रहवीं का हम लोगों का फंड है या षष्ठम का है अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया इस वित्तीय वर्ष में जिससे कि सारा काम बाधित है प्रधानमंत्री आवास योजना पे कितना लोगों को अभी तक लाभ मिला है हाँ, पंचायत में आपके आने के बाद मेरे आने के बाद वैसे बहुत खास लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है क्योंकि मेरे पीरियड में नए सिरे से नाम जोड़ने का काम नहीं हुआ है जिसके चलते हम लोग जिनको चाहिए उनको आवास नहीं दे पा रहे हैं अगर उन लोगों को उन लोगों को आवास नहीं मिल रहा है जिससे कि हम लोग भी परेशान हैं तो आप लोग तो चिन्हित करके दे रहे होंगे ना मतलब नहीं नहीं तो अगर सरकार का गाइडलाइन है ना हम लोगों को ग्राम पंचायत को जोड़ने का कहा अधिकार है एक वो कोई काम नहीं कर सकता है न वो राशन दे सकता है नो आवास में नाम जोड़ सकता है ये तो जोड़ने के लिए जब तक भारत सरकार या बिहार सरकार का फरमान नहीं आएगा तब तक हम लोग किसी गरीब को कोई सुविधा नहीं दे सकते राशन की भी समस्याएं होती है राशन की क्या स्थिति है राशन की भी स्थिति बहुत बुरी है क्योंकि नए सिरे से जो जब से हम लोग आए हैं जीत करके नए सिरे से जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है यहाँ लोग ऑनलाइन करते हैं ऑनलाइन के माध्यम से जो है ब्लॉक तक आवेदन जाता है लेकिन ग्राम पंचायत के मुखिया या प्रधान को नहीं मालूम होता है कि इनका जो है किनको मिलना चाहिए किनको नहीं मिलना चाहिए उसका उस आवेदन को अगर ग्राम पंचायत तक तक, तक आता वापस आता हमसे उस पर फीडबैक लिया जाता कि किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए जरूरतमंद को मिल पा नहीं मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है पब्लिक का तो शिकायत शिकायत आपके पास है बिल्कुल आता बिल्कुल बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी क्योंकि राशन वैसे लोगों को नहीं मिल रहा है जिनको मिलना चाहिए ग्राम पंचायत को तो यहाँ बिल्कुल नए सिरे से नहीं, सरकार की यह योजना जो है सही लाभार्थी के लिए है सरकार का मनसा जो भी है बिहार सरकार का मनसा ये नहीं है कि सही लोगों तक कोई भी लाभ पहुंचे उन्होंने अपने अधिकारियों के माध्यम से केवल जो उनके अधिकारी चाहेंगे वो होगा क्योंकि गांव से हम लोग जीत कर आते हैं गांव में जनता इसलिए ग्राम पंचायत की सरकार को चुनती है कि ये लोग हमारे विकास का अफसरशाही आपके प्रखंड में है हाँ बिल्कुल है अफसरशाही हावी है हर जगह अभी है पूरे बिहार में आ भी है इसका, इसका अभी मतलब नतीजा है कि जनता को भुगतना पड़ रहा है बिल्कुल बिल्कुल जनता को भुगतना पड़ रहा है जनता का एक मुखिया जो है चप्पा कल नहीं गला सकता है जहाँ जो कुछ जरूरी हो किसी को राशन नहीं दे सकता है किसी को पेंशन नहीं दे सकता है हमारे पदाधिकारी है, हमारे कर्मचारी हैं सारे के सारे ब्लॉक में बैठते हैं एक भी कर्मचारी पंचायत कार्यालय में नहीं बैठेंगे कार्यालय में अभी आपके यहाँ जो पंचायत हो गए सेवक हो गए या फिर किसी भी अधिकारी हो पंचायत लेवल को आपके यहाँ नहीं बैठते हैं नहीं ब्लॉक में बैठाया जाता है उनको ना उनको ब्लॉक में बैठाया जाता है अब ब्लॉक में कोई क्यों बैठेगा अगर अगर हमारा कर्मी है तो उसका अब्सेंटी उसका हिसाब किताब हम रखेंगे तब तो ना हमसे मान लेते हैं कि डरेगा अगर अगर अबी देते हैं उसका भुगतान हो जाना है उसको भुगतान मिल जा रहा है एक दिन पंचायत में आवे अथवा नहीं आवे उसको भुगतान मिल गया क्या तो, सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं ऐसे रवैयों को लेकर के मैं सरकार से बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो दोनों सरकारों से मैं ये कहना चाहूंगा कि वो ग्राम पंचायत को स्वतंत्र काम करने का अधिकार दे जिससे कि ग्राम पंचायत का वो विकास कर सके यही मैं दोनों सरकार से कहना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत का जो भी अधिकार दिया गया है उनतीस अधिकार है उसमें से एक भी अधिकार एक भी अधिकार मुखिया को प्राप्त नहीं है जिससे कि वह मुखिया काम कर सके नली गली विकास की अगर बात करें तो नली गली की क्या स्थिति है नली गली में रोड वगैरह बनवाए हैं हाँ नली गली बना है नली बना है गली बना है इसके बाद तालाब बना है छठ घाट वगैरह बना है इसके बाद स्कूल का भी काम हुआ है यहाँ ऑफिस कार्यालय में जहाँ पर अभी आप हैं काम चल रहा है यहाँ भी इसका भी सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है क्षेत्र में मुख्य समस्याएं क्या निकल कर की आती है जनता के बीच में जनता के बीच में मुख्य समस्याएं हैं राशन का आवास का शिक्षा का इसके बाद नली गली का किसानों की समस्या है हर क्षेत्र में समस्या है किसानों की समस्या है कि जब किसान को जरूरत है किसान का जब खेतीबाड़ी का समय आता है तो सरकार योजना को बंद कर देती है उस समय योजना चलना चाहिए जिससे कि किसान का कैनाल है उस समय कैनाल टूट गया कैनाल में कोई प्रॉब्लम आ गया कैनाल में करहा का सफाई करना है जिससे कि उसके खेतों तक पानी पहुंचाया जा सके अब जिस समय लालाती लू चलती है उस समय योजना चलता है उस समय न करहा की खुदाई हो पाती है उस समय न मान लेते हैं कि कहीं एक छ माटी कट पाता है तो उस उसके अभाव में काम नहीं हो पाता है मनरेगा में तो लग रहा है आप अच्छा काम करवाए नहीं नहीं अच्छा काम करवाए हैं लेकिन जो काम होना चाहिए जैसे उस समय काम हुआ लेकिन एक दो महीना जैसे ही पानी पड़ा तो उन करहों में घास जो है बढ़ करके उजाम हो जाता है फूली जिस समय जरूरत है जिस समय जरूरत है जब काम होना चाहिए उस समय नहीं हो पाता है पहले काम हुआ है मनरेगा में तो काम हम लोग करते हैं लेकिन जब जिस समय जरूरत है उस हिसाब से काम नहीं होता है क्योंकि किसानों के हित में साल में दो बार बारहा की सफाई होना जरूरी है चूंकि हम लोगों का राज्य हम लोगों का जिला हम लोगों का पंचायत किसान प्रधान कृषि प्रधान पंचायत है क्षेत्र है जिला है तो इसमें कृषि को प्राथमिकता देना चाहिए ताकि किस, किसानों को कोई दिक्कत ना हो लगभग तीन साल का कार्यकाल है तीन सालों में लग रहा है कि पंचायत का विकास होगा इस रवैये हम लोग प्रयास हैं प्रयास कर रहे हैं लेकिन अगर सरकार जिस तरह से कर रही है सरकार का जो रवैया है इससे हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे किसी भी क्षेत्र में जितना होना चाहिए हम लोग नहीं कर पाएंगे इसलिए कि हर क्षेत्र में कर्मचारी और पदाधिकारी का अवरोध पैदा किया जाता है पंचायत को स्वतंत्र इकाई नहीं रखा जाता है कि वो स्वतंत्र रूप से काम करे उनको काम करने का अधिकार दिया जाए हम लोग नहीं कर पाएंगे कहीं न कहीं आप लोग बंधे हैं इस कारण से कहीं न कहीं विकास बाधित है बाधित थे बिल्कुल ये थे परमानपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनिल कुमार चौबे जिन्होंने सारी पंचायत की बातों को बखूबी इन्होंने बताया कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं राहुल कुमार लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क